नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सोनी आज आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द होम्योपैथी में। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूं, जो कि है सीलिएक डिसीज। जी हां दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको, यदि आप गेहूँ या कुछ अनाजों से बने पदार्थ खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो आपको हो सकता है एलर्जिक कंडीशन पैदा हो जाए और आप लगातार गैस्ट्रिक समस्या से जूझते रहें। तो दोस्तों, यदि आपको सीलिएक डिसीज डायग्नोस हुई है या आपको पता चला है कि आपको ग्लूटेन से एलर्जी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो से पहले एक वीडियो और बनाया है जिसमें आपको ग्लूटेन एलर्जी के बारे में कुछ जानकारी दी है, और साथ ही मैंने एक ऐसे पेशेंट से और उनकी माँ से मिलाया था जिनकी बच्ची आज पूरी तरह से ग्लूटेन एलर्जी से फ्री है, उसको किसी प्रकार की कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे आई बटन में जाके आप देख सकते हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हमारे जो हेल्थ रिलेटेड कंटेंट है और जो हमारे पेशेंट के रिव्यूज़ हैं और जो हम डिसीज के बारे में और होम्योपैथी के अमेजिंग पावर्स के बारे में आपको जानकारी देते हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज हम बात करते हैं सीलिएक डिसीज के बारे में। दोस्तों, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून मतलब जो जिसका कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं होता, हमारी बॉडी खुद ही प्रोड्यूस करती है। ये इस प्रकार की बीमारी है और ये अफेक्ट करती है हमारे गैस्ट्रिक सिस्टम को, यानी इंटेस्टाइन्स को। पर कब? जब आप कोई ऐसे अनाज का उपयोग करते हैं जिसमें ग्लूटेन पाया जाता है। अब ये ग्लूटेन होता क्या है? ग्लूटेन एक प्रोटीन होता है जो खास करके गेहूँ और कुछ अनाजों में पाया जाता है। ग्लूटेन जब भी आप देखते हैं कि आप रोटी बना रहे हैं या कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो लचीले होते हैं, तो जो लचीलापन आता है वो होता है ग्लूटेन के कारण। यदि आप एक रोटी को सेप दे रहे हैं तो वो सेप भी आप ग्लूटेन के कारण ही दे पाते हैं। पर जब आपको ऐसी ऑटोइम्यून डिसीज हो जाती है जिसको सीलिएक डिसीज कहते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनको सीलिएक डिसीज है, जिनको ऐसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, यदि वो गेहूँ या कुछ ऐसे अनाजों का सेवन करते हैं तो उनको कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, उनको कुछ एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकते हैं जो कि माइल्ड से सीवियर तक हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जो हमें इंगित करते हैं कि हमको सीलिएक डिसीज या फिर ग्लूटेन की एलर्जी है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक मतलब अपने पेट से संबंधित। जब आप ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं जिनमें ग्लूटेन है, तो आपको पेट में ब्लॉटिंग हो सकती है, यानी आपका पेट फूला फूला आप उसको महसूस करेंगे। साथ ही आपको डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, लगातार आपको पेट में दर्द ही बना रह सकता है। ये तो हुए डाइजेस्टिव सिम्टम, यानी जो डाइजेशन से संबंधित है। कुछ ऐसे सिम्टम्स भी है, कुछ ऐसे लक्षण भी है जो डाइजेशन से संबंधित नहीं है, जिनको बोलते हैं नॉन डाइजेस्टिव सिम्टम्स। वो होते हैं ज्वाइंट्स पेन या आपको स्किन में रैसेस आ जाना, कई बार ये आपको सिरदर्द का कारण भी बन सकते हैं। साथ ही यदि आप इस समस्या से लंबे समय तक जूझते हैं तो हो सकता है कि आप डिप्रेशन का भी शिकार हो जाए। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि सीलिएक डिसीज, ये पता कैसे करें कि हमको सीलिएक डिसीज है या हमको ग्लूटेन से एलर्जी है। इसके लिए एक ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें आपको एलर्जी, किन चीज़ों से एलर्जी है, ये सारी चीज़ उसमें बताई जाती है। साथ ही यदि आपको ज़रूरत पड़ती है तो एक इंटेस्टाइन की जो अपनी आँत होती है उसकी एक बायोप्सी, यानी उसका एक टुकड़ा, उसके टिश्यूज निकाल के उसकी जांच की जा सकती है, ताकि कंफर्म हो सके कि आपको सीलिएक डिसीज है या नहीं है। तो दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं कि हम सीलिएक डिसीज को कैसे मैनेज कर सकते हैं और क्या ऐसे ट्रीटमेंट के ऑप्शन हो सकते हैं जो इस बीमारी से, इस एलर्जी से, इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से हमको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, चूंकि ये एक एलर्जी कंडीशन है, तो सबसे पहले यदि हम बात देखें तो वो होती है कि एलर्जन से दूर रहना, यानी ऐसी चीज जो आपको नुकसान दे रही है, आपको परेशान कर रही है, उससे दूर हो, यानी आप डाइट ऐसी लें जिसमें ऐसे प्रोडक्ट्स ना हो जिसमें ग्लूटेन पाया जाता है। पर दोस्तों, ग्लूटेन भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी प्रोटीन है। यदि अपन स्ट्रिक्ट डाइट लेते हैं तो हो सकता है आपको कुछ दूसरे कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिल सकते हैं। पर दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि क्या कुछ ऐसा ट्रीटमेंट हो सकता है जिसमें हमको डाइट रिस्ट्रिक्शन ना हो और हम इस बीमारी ठीक हो सके। तो जी हाँ दोस्तों, वो पैथी है होम्योपैथी। यदि हम होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करते हैं तो कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो इस बीमारी से पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। तो आपको घबराना नहीं है, आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को हम मैनेज कर पाएंगे, हम ठीक कर पाएंगे। जैसा कि आपने मेरे ग्लूटेन एलर्जी के लास्ट वीडियो में देखा होगा कि एक पेशेंट है जो इससे पूरी तरह से ठीक हो चुके, ऐसे और भी कुछ पेशेंट्स हैं जो पूरी तरह से इस बीमारी ठीक हो चुके हैं, उनको अभी कोई लक्षण नहीं आते। तो दोस्तों, इसके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है और इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए मैं बहुत जल्द ही एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारा डिस्क्रिप्शन दूंगा। तो दोस्तों, यदि आपको या आपके किसी परिचित को या परिजनों को ऐसी बीमारी है जो ग्लूटेन से संबंधित एलर्जी से पीड़ित है, तो कोशिश कीजिए कि ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल में बने रहिए। धन्यवाद।